ग्राम सेवक सरपंच आपकी मनमर्जी चलाओ और आपके हिसाब से बजट फर्जी उठानो करनो इन टाइप का काम करे। अगर बैंक को स्टेटमेंट लिया हो सरपंच साहब आ जाओ, मैं लोग आई चाहूँ अगर पारदर्शिता माने वेरीफाई करा दो कि पेमेंट सही उठाया है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करो। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। राम राम जी, मैं थारो मित्र चुनीलाल कैमरामैन मणिराम के सागर झलको चुरू पर थारो बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। आज आप आए हाँ रतनगढ़ तहसील के चैनपुरा गांव में बैठे के ग्रामीणा की कुछ समस्या है वह आप सुनसा और साथ ही जगह विकास का मुद्दा है वहाँ पर आप चर्चा कर सियाँ। साथ ही कुछ ग्रामीण लोग है जगह मतलब वर्तमान में 42 दिन धरने पर बैठे तो के कुछ समस्या है अठे की आप जान सियाँ। मेरा नाम प्रदीप जैनी है। भ्रष्टाचार में खुद ग्राम पंचायत कांगड़ कार्यालय पर रिकॉर्ड को निरीक्षण करो भी दरमियान बहुत सारी चीज़ों में फर्जी भुगतान उठाया गया है और ग्रामीणा की जिसकी मांग एक्चुअल में और वास्तविक रूप से थे भी गांव में पूरी पंचायत में एक गांव के नहीं दो गांव है कांगड़ और चैनपुरा दोनों गांव घूम के वास्तविक जी की स्थिति है जी थे देख सको कितो विकास हो रहा है और गवर्नमेंट को बजट खूब आवे कोई कमी नहीं है अभी अकाउंटों में खूब पैसा पड़े हैं और बिना मतलब का फर्जी भुगतान उठा रहा आपके निजी फायदे के लिए ग्राम सेवक और सरपंच सिर्फ और सिर्फ आप तक की सीमित रखे जानकारी जबकि पब्लिक को पिछड़ा है पब्लिक के हिसाब से होना चाहिए पब्लिक की एक्चुअल में जो समस्या है भी प्रायोरिटी के हिसाब से पहली विंग समस्या के समाधान के हिसाब से खर्च होना चाहिए। मौजूदा पंच साहबानी आज कोई इन्फॉर्मेशन को नहीं मैं जनरल आदमी चलो मानी इन्फॉर्मेशन को लेकिन पंचायत तो बिंग अ पार्ट है पंचायत का मानी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने खुद डाउट हो कभी खुद भ्रष्ट प्रवृत्ति का रेड है पहले खुद वर्तमान सरपंच का पहले भी रेड है 2000-2005 तक भी दरमियान एक रोहिड़ा कांड करो बड़ो भी 3-4 कर्मचारियों ने भी है अंदर करवा दिया आप भी सस्पेंड हो रहा है जैसी हो रही है भी के लिए मैं निरीक्षण करियो 29/6 भी दरमियान मैंने बहुत सारा भुगतान फर्जी पाया गया तो मैं फिर पंचायत समिति जिला परिषद कंप्लेंट करी पंचायत राज ने भी करी तो भी के लिए फिर ग्रामीण लोग भी है हम भी रोस हो ज्ञापन दियो फिर जी जाँच हुई दो बार जाँच हुई मांग माप झूठा दस्तावेज पेश करके मतलब बचने की पूरी प्रयास करे लेकिन थारकन मेरे ऑन रिकॉर्ड है और प्रथम नागरिक होने के नाते अगर पंचायत का आदमी नागरिक धरने पर बैठे तो सरपंच साहब को भी दायित्व बनाओ कि ठाक की बात करता इनकी समस्या को समाधान करता लेकिन समस्या एक फिर हमारे सीवरेज की बहुत बड़ी समस्या है बरसात के दिन में और माड़ा मोलो बोले हमारे गाँव में बिग में 15 लाख को टेंडर हुए पंचायत समिति सेंक्शन हो गयो आनंद फानन में दूसरी फर्म जब कोई टेंडर कॉपी मांगी भी दरमियान वह भी निरस्त कर दियो समस्या आज भी यथावत है बजट पास हो जी तो टेंडर होया लेकिन आज भी निरस्त करके आप इन मनमर्जी चला रहे हैं इसलिए ग्रामीण हम किया कि रोस है और मैं चाहूँगा कि भी प्रजातंत्र है प्रजातंत्र में हर आदमी का हक अधिकार है और चलो आम आदमी तो कौन बता रहे लेकिन जो चुनिंदा पंच है उप सरपंच है तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए पंचायत की प्रॉपर आम लोगों ने कुछ कौन बता पा रहे ग्राम सेवक और सरपंच आपकी मनमर्जी चलाओ और आपके हिसाब से बजट फर्जी उठानो करनो इन टाइप का काम करे बिले ग्रामीण हम रोस आज 42 दिन हो गया तो प्रशासन पूरा संरक्षण दे रखे आए बहुत बड़ी शर्म की बात है लोकतांत्रिक प्रक्रिया पंचायती राज जिसका सचिव है मुख्य सचिव बार मारी कंप्लेंट कर रेडी है बे ऑर्डर कर दियो कमिश्नर साहब बीकानेर ने तो बे ऑर्डर करियो सीओ साहब ने ये आज ये प्रक्रिया है एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटी है तो एक अकॉर्डिंग जांच करवाई जांच में ए खुद बचाया बान जबकि अगर जी मैं अभी कर रहा था दावा के साथ अगर बैंक को स्टेटमेंट लिया हो सरपंच साहब आ जाओ मैं लोग आए चाहूँ अगर पारदर्शिता माने वेरीफाई करा दो पेमेंट सही उठाया है सारा लोग मान जाओ तो मारो कोई विरोध को नहीं लेकिन आ रही कोई बात ही कौन कर प्रशासन आ जाओ तो इनको भंडो फोड़ हो जाए और बन खिलाफ आज भी कार्रवाई सरपंच साहब ने मैं दावा के साथ कहूँ कि सरपंच साहब और ग्राम सेवक उनका कोई अधिकार नहीं है कि एक मिनट भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के हिसाब से उनको कोई राइट नहीं है उन्होंने भ्रष्टाचार किया है 420, 406, 409 के मुलजिम हैं दोनों आज जांच हो जाए निष्पक्ष तो वो दोनों आदमी मुलजिम हैं ये दावे के साथ कहता हूँ उनके खिलाफ कार्रवाई अभी हमने पुलिस को दे रखी है पुलिस कार्रवाई लगभग चांस है पुलिस निष्पक्ष जांच करेगी तो कार्रवाई होगी। सबसे पहले वो पेमेंट उठाया 7/12/2020 ने 29,250 रुपया जिसका पंप चालक के नाम से उठाया माने जांच में जिसका बाउचर दिया है कन्ना राम पूर्णा राम के नाम से दिया है जबकि कन्ना राम पूर्णा राम के नाम से आदमी कोई आदमी कांगड़ में पंप चालक हो को नहीं ठीक है एक्चुअल में पंप चालक है भगवान नाथ जी जिसका आज 7 साल हूँ पंप चालक है बड़े बन गाँव का पी देता ए लोग झूठा फर्जी पेमेंट उठाए इनको एकदम क्लियर साबित है आम नागरिक ने ये बात की इन्फॉर्मेशन है पेमेंट सरपंच मान देगो 55,000 को जबकि अक्टूबर में सरपंच बनाया है अक्टूबर में सरपंच बनाया 4-5 महीना का 20,000 रुपया बनाएगा 55,000 रुपया 35,000 रुपया फर्जी उठाया है बी के बाद में 28 तारीख को पेमेंट उठाया एक बिजली बिल को 41,316 रुपया अब बिजली बिल माने आज तक जांच में दे कौन पाया
28 को बिजली का बिल आया तो भी आप फिक्स डेट हुए और भी डेट ना भुगतान करा और भी को बिल भी होना चाहिए वो बिल है देखो पाया आज तक बी के बाद पेमेंट उठाया 2,54,583 रुपया को विद्युत बिल भुगतान जनता जल को कोई जबकि पीएचडी विभाग में आरटीआई सूचना मांगी बी के पीएचडी विभाग क्लियर कह रही है कि बिल जिसका कांगड़ का ग्राम पंचायत में जितना भी कुआ है वहाँ बिल में भरा तो सरपंच ने भरने खड़ी जरूरत पड़गी और बी दरमियान बी डेट को कोई बिल है नहीं बिजली विभाग को निकले डे को नहीं डेट ही को नहीं तो फर्जी भुगतान एकदम साफ साफ क्लियर हो रही है। बी के बाद जो भुगतान उठाया है 19,000 रुपया चुनाव के खर्चे के लिए चुनाव प्रशासन करावे ग्राम पंचायत को कोई रोल को नहीं हो अगर चुनाव हो भी हो तो अक्टूबर को चुनाव हो गया मार्च में पेमेंट करने की खड़ी जरूरत थी ठीक है। बी को कोई बिल पेश को न कर पाया और तक बी के बाद जनता जल को भुगतान वापस उठाए है 9,000 रुपया जबकि ये बिल पेश को न कर पाया जो भुगतान हुआ बिल तो क्लियर है बिल के अगेंस्ट आप भुगतान करा बिल आज तक कौन दे पाया एकदम क्लियर है वो फर्जी है। बी के बाद में एजगा 2,500 रुपया और उठाया है और 28 और 29 तारीख दो डेट एज का वहाँ बैठ गई एक साढ़े सारा ने भुगतान करे बीस क्लियर है कि अतः दिन हमसे भुगतान कौन कराया दो दिन हमसे भुगतान कर रहा हो तो एक चलो में तो फर्जी तो आई। बी के बाद सफाई का और का उठाया फिर हमारे गाँव का माठ है एक चलो में जी पानी की व्यवस्था है बी साहब से समस्या है लेकिन दो ट्यूबेल है आनंद फार्म ने करवाई बा ट्यूबेल का सिंगल फेज की ट्यूबेल का 35-40,000 रुपया लागत लागे ए उठाया बींगा 95,000 रुपया जबकि एक ट्यूबेल तो कोई के निजी आदमी के घर है सार्वजनिक जगह को नहीं है निजी आदमी आपको आदमी मोबिलाइज करने के लिए भी घर बनवाई जिसका शख्स उठाने में मिला शूं जिसका वर्तमान में ठेका पंच है नथुराम जी ते हर मीटिंग में जाओ तो थाने ये चीज वो कद बेरो प्रयो माने ये चीज के बारे में कोई नॉलेज नहीं है बिल्कुल पता नहीं है वार्ड नंबर 8 का वार्ड पंच ये कलेक्टर साहब ने मैं ज्ञापन दियो भी के बावजूद कलेक्टर साहब भी हटा कोई आपनो प्रतिनिधि भेजनो आनो उचित गुण समझियो और जिसका नेता है वह वोटा तक सीमित है आपने भी हमारे गाँव का भी लोग वोट दिया है एमपी बने एमएलए बने जिला प्रमुख है जिला परिषद सदस्य है पंचायत समिति सदस्य है बाकी जिम्मेदारी बनाए कभी आम पब्लिक के लिए आम या बाकी मांग है तो भी सुनाई करें और जायज मांग तो पूरी करें लेकिन वह लोग आज तक उचित कौन समझो तो सारो प्रशासन ही नकारा है हमारे गाँव के नागरिकों के नजर में सारो प्रशासन नकारा है मतलब वह सारे लोग भ्रष्टाचार या संरक्षण दे रहे हैं मतलब बाकी खुद की नीति में भी खोट है बी की वजह से दे रहे हैं इस चीज के लिए बहुत बड़ा रोष है इनके लिए मैं 10-15 दिन तो और वेट कर सी अभी के बाद मेट है आमरण से स्टार्ट कर सी अभी के बाद प्रशासन देखा क्या करा है क्या एक्टिविटी है और चाहवा के जल्द जल्दी वो भ्रष्टाचार खत्म हुए और अच्छे गांव को विकास हुआ बी के लिए सारा लोग में प्रयासरत हूँ। देखो जो पेमेंट उठाया गया है 4/3/2021 को इससे पहले पेमेंट उठाया गया ये 7/12/2021 को 29,250 रुपए ठीक है। इन्होंने जांच में क्या कहा है जांच में कहा है कि रोकड़ पुस्तिका के 29,250 रुपए कन्हाराम पूर्णाराम के नाम से भुगतान चेक संख्या 7/4/2020 को किया गया क्योंकि अपना एलिगेशन क्या है अपना एलिगेशन है कि 7/12/2020 का है नहीं कि 7/4/2020 का अपना एलिगेशन 7/12/2020 का है तो इन्होंने ये घुमा के पूरी जांच की है। उसके बाद दूसरा जो अपना बिंदु है 55,000 रुपये सरपंच मान देंगे इसमें ये कहा है कि सरपंच सरोज देवी और इसमें तो जो ये एक और अच्छी बात है सरोज देवी ने जो पेमेंट उठाया 35,000 का ये उठाया इन्होंने डेट बताई है ना उस डेट को प्रशासक लग गए थे सरोज देवी सरपंच थी नहीं तो सरपंच सरोज देवी के पास अधिकार क्या रहा कि वो पेमेंट उठा ले तो प्रशासक लगा हुआ है तो सरोज देवी कैसे वो पेमेंट उठा सकती है ये आपको मैं दिखा सकती हूँ। मैं सरोज देवी सरपंच ग्राम पंचायत ने चेक संख्या इतने तैसे रुपये 35,000 रुपये ले लिए हैं ये डेट देखो आप कितने तारीख को 20/4/2020 को जबकि अपने जनवरी फरवरी में प्रशासक लग गए थे अपनी पंचायतें डिजोल्व हो गई थी तो ये तो बिना नियम विरुद्ध है सारा इन्होंने बनाया हाथ से सरोज देवी ने को पेमेंट उठाया नहीं और वही अपना एलिगेशन ये है जो ये सरपंच मानदे है ना ये इन्होंने उठाया 35,000 रुपये 4/3 को ये बता रहे हैं 20/4/2020 को अपने ये 4/3/2021 की बात कर रहे हैं तो इन्होंने पूरी एंट्री घुमाई है कि देख सको गाँव की यदि विकास की बात करें आप तो वो गांव को जलाशय मतलब मेन पानी पीने को वही आधार है गांव के एक आधार पर जीव है तो थे देख सको बुरी तरह खंडित है अपने वो जो मेन कुह है चैनपुरा गांव को जो पूरे गांव के पानी की सप्लाई हट हो जाए तो थे देख सको जो मित्र है जगह है जगह बहुत ही बुरी हालात में है यदि कोई बच्चों भी यदि का हाथ लगा लियो तो करंट जुलूस विमर्श कहे और साथ ही जी देख सको जो पानी को मेन आधार जो पानी निकल रहे कुएं की आ हालत है। हेलो नमस्कार सर। नमस्कार कांगड़ पंचायत तो सरपंच साहब बोलेगी तो सरपंच साहब मैं आज जलकोचुर न्यूज चैनल आया हूँ ग्राम चैनपुरम हॉस्पिटल में थोड़े को डॉक्टर साहब करूँ दो मिनट सर हाँ बोल दो तो मैं डॉक्टर साहब के पास हूँ अभी
हाँ तो चैनपुर गांव में जी की समस्या है, 42 दिनों में जगह धरने पर बैठे है, के कारण बैठे है, आपको आरोप है की लगभग 4.5 लाख रुपया को भाई सरपंच साहब है जगह घोटालो कर चुके हैं, इनके कुछ कहने में थारो? मैं यार डॉक्टर साहब के पास हूँ, एक बार बाद में करूंगा। लाइक करो, शेयर करो, झलको चुरू सब्सक्राइब करो, और साथ ही साथ ग्रामीणों के बारे में थारी कह रही है कमेंट बॉक्स में जरूर दिया। जय जय चुरू, जय जय राजस्थान।